नमस्कार दोस्तों, सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ओडी लिमिट में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे कि बहुत से बिजनेसमैन और प्रोफेशनल को फ़ायदा होगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये अपडेट डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, पहले हम इनकम टैक्स की जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम है वो समझ लेते हैं। दोस्तों, ये स्कीम बिजनेसमैन के लिए भी उपलब्ध है और प्रोफेशनल के लिए भी उपलब्ध है। यदि बिजनेसमैन है तो सेक्शन 44AD के अंतर्गत उसे प्रिजम्प्टिव इनकम स्कीम मिलती है, यानी कि यदि वो रेजिडेंट एसएससी है, भले ही वो इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या पार्टनरशिप फर्म है अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। दोस्तों, यदि ये व्यक्ति एलिजिबल बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में इनकी यदि टर्नओवर या ग्रोस असीट 2 करोड़ रुपए से या उससे कम रहती है तो उस केस में ये स्कीम ले सकते थे। दोस्तों, इस केस में उन्हें 8% अपनी डीम्ड इनकम ऑफर करनी होती थी टैक्स के लिए, या फिर यदि उनकी जो रिसीट है वो डिजिटल मोड से हैं तो जो टर्नओवर या ग्रोस इसका 6% अमाउंट उन्हें डिक्लेयर करना होता था अपनी इनकम का, वो इससे ज़्यादा अमाउंट भी डिक्लेयर कर सकते थे। इसी प्रकार प्रोफेशनल के लिए सेक्शन 44AD(a) की प्रिजम्प्टिव इनकम स्कीम थी, यानी कि यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंट एसएससी है जो कि इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है अदर देन एलएलपी, तो उस केस में यदि वो प्रोफेशन करता है और उसकी टोटल ग्रोस रिसीट 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में उसको अपनी ग्रोस रिसीट का 50% अमाउंट डीम्ड इनकम के तौर पर ऑफर करना होता था, वो इससे ज़्यादा अमाउंट भी ऑफर कर सकता है। तो दोस्तों, इन स्कीम में अब बदलाव किया गया है और बिजनेसमैन और जो छोटे प्रोफेशनल्स हैं उन्हें बेनिफिट दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में एक और सेक्शन 44A भी दिया गया है जो कि टैक्स ऑडिट की बात करता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है और उसकी जो सेल टर्नओवर या ग्रोस रिसीट है वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है और वो प्रिजम्प्टिव स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट करवाना होता था। इस लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़ रुपया किया गया था, लेकिन यहाँ पे शर्त लगाई गई थी कि इस केस में जो उसकी टोटल रिसीट है या जो टोटल पेमेंट है वो नॉन कैश मोड में होनी चाहिए, यानी कि वो जो रिसीट करेगा वो 95% अमाउंट बैंकिंग चैनल से लेगा, इसी प्रकार जो पेमेंट करेगा वो भी 95% जो उसकी पेमेंट होगी वो भी बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशन कर रहा है तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट करवाना होता था यदि उसकी जो रिसीट है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति प्रिजम्प्टिव स्कीम्स को ऑप्ट कर लेता था तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट से छूट थी। तो बहुत सी गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंटेशन दी गई थी कि जो छोटे बिजनेसमैन है या फिर प्रोफेशन है उनको राहत दी जाए, तो इसीलिए अब गवर्नमेंट ने नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करने के लिए जो प्रिजम्प्टिव स्कीम है सेक्शन 44AD और ADA, यानी कि जो बिजनेसमैन और प्रोफेशनल हैं उनके लिए कुछ कंडीशंस के साथ अब रिलैक्सेशन दी है। तो दोस्तों, अब जो इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया गया है वो सेक्शन 44AD और ADA में किया गया है, यानी कि अब यदि कोई व्यक्ति एलिजिबल बिजनेस कर रहा है और वो जो कैश रिसीव कर रहा है वो 5% से ज़्यादा नहीं है उसकी टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसीट का, तो उस केस में उसे 3 करोड़ रुपये तक टैक्स ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं होगी और इस केस में वो जो प्रिजम्प्टिव स्कीम है वो ऑप्ट कर सकता है, यानी कि इस केस में जो वो कैश में टर्नओवर लेगा उसके ऊपर 8% डीम्ड इनकम आनेगा और जो वो बैंकिंग चैनल से रिसीव करेगा उसके ऊपर 6% के अकॉर्डिंग डीम्ड इनकम वो ऑफर करेगा टैक्स के लिए। इसी प्रकार जो प्रोफेशनल होंगे दोस्तों, उनकी भी जो टर्नओवर है वो 75 लाख रुपया मानी जाएगी, लेकिन इस केस में भी यही कंडीशन है कि उनकी जो रिसीट है वो कैश में 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप बैंकिंग चैनल से अमाउंट लेंगे, चेक से या ड्राफ्ट से, वो अकाउंट पे ही होना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा चेक लेते हैं या बैंक ड्राफ्ट जो कि अकाउंट पे ही नहीं है तो उसे कैश रिसीट ही मानी जाएगी। दोस्तों, इसी के लिए जो टैक्स ऑडिट का सेक्शन है सेक्शन 44AB, उसमें भी अमेंडमेंट की गई है। इस प्रकार यदि ये बिजनेसमैन या प्रोफेशनल जो कि सेक्शन 44AD या ADA को ऑप्ट करेंगे उस केस में उन्हें टैक्स ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, यानी कि बिजनेसमैन को 3 करोड़ रुपए तक टैक्स ऑडिट नहीं कराना है और प्रोफेशनल को 75 लाख रुपीज़ तक टैक्स ऑडिट नहीं कराना है यदि वो जो अमाउंट कैश में रिसीव करते हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं है।
ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होगी, यानी कि असेसमेंट ईयर 24, 25 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। दोस्तों टैक्स ऑडिट के लिए जो सेक्शन 44A(b) था, वहाँ पे अभी तक जो प्रोविज़न दी गई थी इस सेक्शन के अंतर्गत, फर्स्ट प्रोविज़ो वो ये कहती थी कि यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 44AD सबसेक्शन 1 को ऑप्ट कर लेता है, उस केस में उसकी यदि टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होती है तो उसे टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, यानी कि टैक्स ऑडिट का जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी प्रकार दोस्तों यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशन कर रहा है, जैसे कि चार्टर अकाउंटेंट है, कोर्स अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है या फिर एडवोकेट है, उनकी जो प्रोफेशन से रिसीट है 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उन्हें टैक्स ऑडिट करवाना होता था। तो दोस्तों अब सेक्शन 44AB के जो फर्स्ट प्रोविज़र है उसे चेंज किया गया है 1 अप्रैल 2024 से, यानी कि सेक्शन उन व्यक्तियों को अप्लाई नहीं होगा जो कि सेक्शन 44AD और 44ADA सब सेक्शन 1 के अंतर्गत अपने प्रॉफिट को डिक्लेयर करेंगे। दोस्तों कौन से बिजनेसमैन सेक्शन 44AD को ऑप्ट कर सकते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशन भी दी गई हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सेक्शन में बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशन कर रहा है तो वह ये सेक्शन 44AD ओपन नहीं कर सकता, या फिर यदि व्यक्ति की जो अर्निंग इनकम है वो कमीशन या ब्रोकरेज की है तो वो भी ये सेक्शन ओपन नहीं कर सकता, या व्यक्ति एजेंसी बिजनेस कर रहा है तो ये सेक्शन ओपन नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों यदि व्यक्ति प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग और गुड्स कैरेज का बिजनेस कर रहा है तो वो भी ये सेक्शन ओपन नहीं कर सकता है, और उसकी जो टोटल रिसीट है यानी कि टर्नओवर या ग्रोस रिसीट वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे नई प्रोविज़न इंसर्ट की गई है इस एक्सप्लेनेशन में क्लोज बी के बाद। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नई प्रोविज़न जो है वो इंसर्ट की गई है, यानी कि यदि व्यक्ति की जो टोटल रिसीट और जो टोटल टर्नओवर है उसका 5% अमाउंट ही कैश में है और बाकी सभी अमाउंट बैंकिंग चैनल से है तो उस केस में वो 3 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर कर सकता है, उसे टैक्स ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसे सिर्फ अपना 8% और 6% ही डीम्ड इनकम के तौर पे ऑफर करना होगा। और इसके साथ ये प्रोविज़ो भी इंसर्ट की गई है कि यदि व्यक्ति चेक लेता है या बैंक ड्राफ्ट लेता है जो कि अकाउंट पर नहीं है तो ये माना जाएगा कि वो उसने कैश में ही लिया है। इसी प्रकार दोस्तों प्रोफेशनल के केस में सेक्शन 44AD(a) सब सेक्शन 1 में एक नई प्रोविज़न इंसर्ट की गई है 1 अप्रैल 2024 से, यानी कि यदि एसएससी की जो टोटल ग्रोस रिसीट है वो 75 लाख रुपए तक रहेगी और उसका जो कैश में रिसीविंग है वो 5% से ज़्यादा नहीं होता है तो उस केस में वो ये स्कीम ऑप्ट कर सकता है, यानी कि टोटल ग्रोस रिसीट का 50% अमाउंट जो है डीम्ड इनकम के तौर पे ऑफर कर सकता है और उस केस में उसे टैक्स ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे भी दोस्तों ये प्रोविज़न इंसर्ट की गई है कि यदि व्यक्ति ऐसे चेक या बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट लेता है जो कि अकाउंट पे नहीं है तो उसे भी कैश में ही रिसीट माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो 10 करोड़ की लिमिट है उसमें बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है और इसकी जो टोटल सेल, टर्नओवर और ग्रोस रिसीट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उसे टैक्स ऑडिट कराना होता है यदि वो प्रिजम्प्टिव स्कीम नहीं ऑप्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस केस में वो टैक्स ऑडिट से बच जाएगा यदि जो उसका एग्रीगेट अमाउंट वो रिसीव करेगा सेल के लिए, टर्नओवर के लिए या फिर ग्रोस रिसीट के लिए वो टोटल अमाउंट का 5% से ज़्यादा जो है वो कैश में नहीं है। इसी प्रकार जो वो पेमेंट करता है, एक्सपेंडिचर करता है कैश में, वो उसकी टोटल पेमेंट का 5% से ज़्यादा नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूजफुल रही होगी, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिटेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।